जय हिंद साथियों मैं जितेश पुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर आज दिनांक 7 जुलाई 2020 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमें अपनी तैयारी किस प्रकार से करनी है इन सभी बातों के ऊपर हम बात करने वाले हैं और आज की वीडियो की पी फाइल आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो तो जितने भी प्रश्न हैं आप ध्यानपूर्वक उन्हें देखिए और उनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और अंत में आप लोग बताना कि आपके कितने आंसर राइट हुए हैं और कितने आंसर रॉन्ग हुए हैं तो चलिए मेरे साथ शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा हमेशा उसके ऑप्शन भी आपको अच्छे से रीड करने चाहिए प्रश्न कुछ इस प्रकार है स्थानीय भाषा में मसूदरी नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है यह नदी के बारे में मैंने वीडियो में अच्छे से पढ़ा रखा है अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी आप वहां से इस वीडियो को भी जरूर देख लीजिए मसूदरी नदी यह एक नदी का उपनाम है वह नदी मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी वह नदी काकणई नदी है क्या अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी होती तो अभी तक आपका आंसर आ गया होता गग्गर नदी है रूपा रेल नदी है साबी नदी है अगर आप लोगों को आंसर नहीं भी पता है तो आप वीडियो को काटना सीखिए मैंने आप लोगों से कहा था मसूदरी नदी जो ब्रुज झील का निर्माण करती है और ब्रुज झील कहां पर है अपनी ब्रुज झील कहां पर है जैसलमेर जिले में अब तो आप ऑप्शन को काट ही लोगे साबी नदी जैसलमेर में बहती है नहीं गुरु जी बिल्कुल नहीं रूपारेल नदी नहीं गुरु जी ये तो भरतपुर में बहती है सिकरी बांध बनाती है गग्गर नदी नहीं हिमालय के पर्वतों से निकल कर आती है लेकिन राजस्थान में सिर्फ दो ही जिलों में बहती है हनुमानगढ़ और गंगानगर गंगानगर में भी ये कब जाती है जब इसके पानी की मात्रा अधिक होती है या इसमें बाढ़ आती है तभी ये गंगानगर तक जाती है वरना तो सामान्यतः ये कहाँ विलुप्त हो जाती है हनुमानगढ़ में ही भटनेर के पास में तो ये नदी हो सकती है क्या नहीं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कांकड़े नदी कांकड़े नदी जैसलमेर की नदी है यह आंध्र प्रवाह की सबसे छोटी नदी है कितने किलोमीटर बहती है सत्रह किलोमीटर इसके बारे में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आगे रखे हुए हैं अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी आप वहाँ से डायरेक्ट उस वीडियो को ज़रूर देखिए और अपने नोट्स मेरे साथ प्रिपेयर करते चलिए अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना पास बने हुए आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना ताकि जितना हो सके आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन मिले ताकि आपको समझ में आया कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं तथा हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है अगले क्वेश्चन की बात करते हैं सोम नदी किसकी सहायक कि नदी है अब यहां पर नाम आ गया है सोम नदी अब यह किसकी सहायक कि नदी है चंबल की सहायक नदी है क्या याद करो चंबल की सहायक नदियां मैंने डायग्राम के द्वारा आप लोगों को कुछ इस प्रकार की डायग्राम बनाई थी चंबल नदी की जिसमें एक नदी यहां से मिलती है एक नदी यहां से मिलती है एक नदी यहां से एक नदी यहां से और एक जो इसकी महत्वपूर्ण नदी है वो यहां से आकर मिलती है डायग्राम अगर आप लोगों के दिमाग में छपा हुआ होगा तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार का पूछ लेने दो आपकी सहायक नदियों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा यहां इससे मिलती है बामणी नदी हम बात कर रहे हैं चंबल नदी के बारे में बामणी नदी यहां इससे मिलती है कालीसिंध नदी और कालीसिंध नदी अपने साथ दो नदियों को लेकर आती है एक आहू और एक परबन आहू और पर वन मैंने बहुत अच्छे से समझाया है अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो की लिंक मिल जाएगी वहाँ से आप वीडियो ज़रूर देखिए एक बार अगर वीडियो को देखोगे तो इस प्रकार के जो छोटे मोटे क्वेश्चन हैं यह तो आपके डेफिनेटली विद इन ए सेकंड में क्लियर हो जाने चाहिए क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए डायरेक्ट उस ऑप्शन को देखो टिक करो तीन के तीन ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए आपको वही राइट आंसर होना चाहिए इस प्रकार का कॉन्फिडेंट रखो अपने अंदर कि नहीं जो मैंने लगाया वो राइट आंसर है यहाँ पर इसे पार्वती नदी मिलती है यहाँ पर एक सीप नदी मिलती है और यहाँ पर इसकी प्रमुख सहायक नदी जो है बनास नदी अपना त्रिवेणी संगम बनाती है ये दो नदियों को लेकर आती है चार बांध बने हुए हैं बहुत अच्छे से समझाया है उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी है अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाइए और देखिए यहाँ पूछा गया सो, सोम सोम नाम आया है यहाँ पर कहीं नहीं आया तो मतलब सोम तो नहीं है इसकी सहायक नदी माही नदी माही नदी से मैंने आप लोगों को बताया था क्या बात की थी माही नदी के बारे में हमने माही नदी दक्षिण के क्षेत्र में बहती है उल्टा यू बनाओगे तो माही नदी याद हो जाएगी माही नदी को याद करने का तरीका एक सहायक नदी यहाँ से मिलती है दो सहायक नदियां यहाँ से मिलती है जहाँ पर ये क्या करती है त्रिवेणी संगम बनाती है एक सहायक नदी यहाँ से और एक सहायक नदी यहां से यहाँ से कौन सी नदी मिलती है ईरू नदी ईरू यहाँ पर कौन सी जाखम और यहाँ पर कौन सी याद है आपको नाम मैंने क्या बताया था त्रिवेणी संगम बनाती है बेनेश्वर का धाम डूंगरपुर यहां मिलती है इससे सोम नदी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माही नदी की सहायक नदी है सोम नदी कहां पर मिलती है तो बेनेश्वर का धाम डूंगरपुर में इसी के पास में एक मंदिर भी बना हुआ है सोमनाथ जी का मंदिर बना हुआ है ठीक है इस नदी का अगर उद्गम स्थान पूछा जाए मैंने उस वीडियो में है अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि सोम नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है ठीक है आप कमेंट करिए सोम नदी का उद्गम स्थान फिर यहाँ से इसकी एक अनास नाम की नदी थी और एक थी चाप ये इसकी सहायक नदियां हैं डायग्राम के द्वारा याद करिए आपको नींदों में भी अगर कोई तैयारी को अगले क्वेश्चन के ऊपर कांतली नदी का बेसिन कहलाता है अब बेसिन मतलब क्या होता है बेसिन टर्म हमको समझ में आनी चाहिए बेसिन मतलब होता है आसपास का इलाका आसपास का इलाका भी होता है या फिर उसका अपवाह क्षेत्र मतलब वो कहां कहां बहती है तो उसके आसपास के जिस जितना भी इलाका होता है उसे बेसिन कहा जाता है तो अब कांतली नदी का बेसिन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको कांतली नदी के बारे में भी कहां से इसका उद्गम स्थान होता है कांतली नदी की अगर हम बात करें तो उद्गम स्थान कहां से होता है शिखर जिले से इसका उद्गम स्थान होता है पहाड़ी का नाम खंडेल की पहाड़ी खंडेल पहाड़ी सिखर जिले से इस नदी का उद्गम स्थान होता है कहां पर जाकर विलुप्त होती है चूरू जिले में जाकर विलुप्त होती है कहाँ जाकर विलुप्त होती है यह नदी चूरू जिले में ठीक है यह बातें आपको याद रखनी थी लेकिन क्वेश्चन है इसके आसपास के क्षेत्र को या फिर इसके बेसिन को क्या कहा जाता है रूपन कहा जाता है नहीं बिल्कुल नहीं रूपन तो सुना ही नहीं कोई नाम ही नहीं आया रूपन कांठल कहा जाता है गुरु जी कांठल तो दक्षिण के क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर माही नदी बहती है माही नदी को क्या कहा जाता है कांठल व बागड़ की गंगा कहा जाता है बग्घी बग्घी सुना सुना से लग रहा है आप लोगों को मैंने पढ़ाया था एक बार आपको देखो गग्गन नदी में मैंने पढ़ा रखा है बग्घी किसे कहते हैं गग्गर नदी के आसपास के क्षेत्र को या फिर ऐसा कहा जाएगा कि गग्गर नदी के मैदान को क्या कहा जाता है बग्गी कहा जाता है तो हमारा राइट आंसर मिल चुका है हमारे को तोरावा क्षेत्र कहा जाता है क्या कहा जाता है कांतली नदी के आसपास के क्षेत्र को तोरावाटी क्षेत्र कहा जाता है क्वेश्चन से इस प्रकार की जानकारी इकट्ठा करिए कि ऑप्शन से भी आप दूसरी चीजों को याद रख सको इसे ही लिंकिंग स्टडी कहते हैं जो सभी लोग हमें कहते हैं कि एक चीजों के साथ अनेक चीजों को याद रखने की कोशिश कीजिए चूरू से हम याद रख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी नदी नहीं आती राजस्थान के ऐसे दो जिले हैं बीकानेर और चूरू अब मैंने कहा कांतली नदी यहाँ विलुप्त होती है तो ये हर साल विलुप्त होती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है पंद्रह बीस सालों में अगर कभी इस नदी में बाढ़ आ जाए तो इस नदी का पानी चूरू तक तो जरूर पहुँच जाता है अंतिम कहाँ होता है चूरू तक इस नदी का पानी पहुँच जाता है वरना हर साल आएगी ये कोई गारंटी नहीं है ठीक है तो आपको दो जिले याद रखना है बीकानेर और चूरू चूरू जिले में कौन सा अभ्यारण है आप लोग बताओ मुझे चीज़ें तो जोड़नी है हमें और कुछ नहीं करना हमें तो सिर्फ चीज़ें जोड़नी है तो गग्गर नदी को पूरा याद कर लो गग्गर नदी की कुल लंबाई कितनी है गग्गर नदी की कुल लंबाई थी चार जो ये हरी... हिमाचल प्रदेश से निकलते हुए आती है पंजाब हरियाणा होती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है कहाँ से प्रवेश करती है ये भी आप लोग बता सकते हो तथा राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है राजस्थान में इसकी लंबाई सौ किलोमीटर तक है राजस्थान में कितनी लंबाई है सौ किलोमीटर तक है गग्गर नदी से भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आगे बनाए हुए हैं तो मैं आप लोगों को वहाँ पर अच्छे से समझाते चलूंगा लेकिन अगर आपको सिर्फ स्पेशली गग्गर नदी के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है उसे क्लिक करिए और आप डायरेक्टली गगन नदी वाली वीडियो पर चले जाओगे जहां पर मैंने बीस या फिर पंद्रह मिनट में एक अच्छी सी वीडियो बना रखी है आप अपने नोट्स भी बना सकते हो मेरे साथ साथ इस वीडियो को बी वाले पी वाले और राजस्थान पुलिस और पटवार वाले सभी मेरे भाई लोग जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर कर रहे हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं आप लोगों के लिए राजस्थान ज्योग्राफी का टॉपिक आता है वहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन उठने की चांसेस बनते हैं तो आप वीडियो को अच्छे से देखते रहिए जितना हो सके उतने क्वेश्चन को नोट करिए या फिर अपने कहीं स्क्रीनशॉट से सेव से करिए जिस प्रकार से भी आप सेव कर सकते हो उस प्रकार से सेव से करिए अगर आप लोग नए जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जितना हो सके उतना इसे अपने दोस्तों में शेयर करते चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं सिलिसिट झील किस जिले में स्थित तो जील अलवर जिले में स्थित है और अगली वीडियो जो मेरी आने वाली है वो इसी वीडियो इसी झील के ऊपर रहेगी तो उन वीडियो को देखना ना भूलिए मैं मानता हूं मैंने अभी तक इस झील के बारे में नहीं पढ़ाया है यह झील अलवर जिले में स्थित है मछली पालन के लिए यह झील बहुत ही उपयोगी है तथा इस झील को राजस्थान का नंद का नंद कहा जाता है ये कुछ जानकारियां हैं मैं उस झील का जब टॉपिक पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो बहुत सारी जानकारी मैं वहां से क्लियर करवा दूंगा आप कोई दिमाग में टेंशन मत रखिए कि अभी तक नहीं पढ़ाया है मैं आपको पढ़ा दूंगा आपको बस ये याद रखना है कि यह झील किस जिले में है तो यह झील अलवर जिले में है सिरोई जिले की बात आ गई सिरोई में कौन सी झील है नक्की झील है सिरोई में कौन सी झील है नक्की झील भरतपुर में कौन सी झील है मोती झील कौन सी झील है मोती झील इसे ही भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है तथा इसे भरतपुर के दुर्ग के साथ एक लिंक नहर से जोड़ा गया है उस नहर का नाम क्या है उस नहर का नाम क्या है कमेंट करके बताओ मुझे उस नहर का नाम क्या है क्योंकि मैंने मेरी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में बता रखा है आप लोगों को मैंने मेरी वीडियो एक बनाई है उसमें यह वीडियो इस नहर का नाम बता रखा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ अगर आप लोगों को नहीं पता है तो वीडियो जरूर देखिए मेरी नहरों वाली उदयपुर में उदयपुर में तो बहुत सारी झीलें हैं कौन कौन सी याद करो सारी की सारी याद करो और बताते चलो मेरे साथ साथ में लिखते चलो कमेंट बॉक्स में पहली हमने पढ़ी जयसमंद झील और आज हमने पढ़ ली पिछोला झील अब हम पढ़ेंगे फतेह सागर झील इसके बाद भी उदय सागर झील और भी बहुत सारी झीलों के बारे में हम पढ़ेंगे तो उदयपुर के बारे में जितनी भी जानकारी आप लोगों को पता होती है आप कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है ऊंचाई पर पूछा गया है तो पंचपद्रा झील ऊंचाई पर है क्या लगता है आपको मैं मानता हूं खारे पानी की झीलें नहीं पढ़ाई मैंने लेकिन आपको क्या लगता है जिस किसी ने भी पहले कोचिंग कर रखी है उसको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर आना चाहिए अगर आ गया है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो अगर नहीं आया है तो इंतजार करिए इंतजार का फल बड़ा मीठा होता है आप लोगों ने सुना होगा इंतजार करिए इंतजार का फल बड़ा मीठा होता है पंचपदरा झील यह कहां स्थित है यह बाड़मेर के जिले में स्थित है मैं इसके बारे में पढ़ाने वाला हूं आपको ही टेंशन मत लीजिए पंचपदरा झील बाड़मेर जिले में स्थित है इतना याद कर लीजिए बस अभी के लिए डीडवाना झील नागौर जिले में स्थित है तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ जिले में स्थित है तो भैया हमारा आंसर क्या हो गया यही अपना आंसर निकल गया नक्की झील इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा नक्की झील लेकिन एक इस प्रकार का भी क्वेश्चन बनता है जो ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है तो कोई झील ऐसी होगी जो सबसे नीचे स्थित होगी निचली झील कोई झील ऐसी होगी ना जो सबसे नीचे स्थित होगी समुद्र तट से सबसे नीचे वाली स्थित झील कौन सी है आप लोग कमेंट करके बताओगे क्योंकि मैंने मेरे वीडियो में समझा रखा है अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ वीडियो को देखिए जितना हो सके उतना इसे शेयर करिए क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लंबी झील ऊंचाई पर स्थित झील तथा निचली झील ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटे छोटे से तो आप लोग बताओ कि सबसे निचली झील कौन सी है अगर कोई अच्छे से वीडियो देख रहा होगा ऑप्शन अच्छे से पढ़ रहा होगा तो आंसर तो यहीं क्लियर हो गया होगा चलो ठीक है है ना सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी बतानी है आपको भाई बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सांभर झील में गिरने वाली नदी और नहीं गिरने वाली नदी तो आज यहाँ क्लियर ही कर लेते हैं हम सांभर झील के बारे में सांबर झील का निर्माण चलो अगला क्वेश्चन है इसलिए मैं ये नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को पता भी होगा सांबर झील कहाँ स्थित है भाई जयपुर जिले में स्थित है ठीक है जयपुर के पास में स्थित है और इस झील में तीन नदियों का पानी आकर गिरता है कौन सी कौन सी तीन नदियाँ पहली नदी मैंथा नदी दूसरी नदी रूपनगढ़ नदी और तीसरी नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखना है खंडेल नदी कौन सी नदी खंडेल नदी इन तीनों नदियों का पानी आकर कहा गिरता है सांभर झील में. में गिरता गिरता है है भाई सांभर झील झील में 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 तो इस नदी में, इस नदी कौन सी नदी नहीं गिरती है तो कांतली नदी इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से बात कर ली आंध्र प्रवाह की पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी है राजस्थान में जो सौ किलोमीटर तक बहती है कितने किलोमीटर तक, तक बहती है सौ किलोमीटर तक बहती है सीकर से चूरू तक जाती है और भी मैंने इसके बारे में बताया आप लोगों को आसपास के क्षेत्र को तोरावटी का क्षेत्र कहा जाता है और इसके अलावा भी मैंने इसकी वीडियो बना रखी है आप लोगों ने अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी आप उसे जाकर जरूर देख लीजिए उसके बाद अगले क्वेश्चन पर अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है सांबर झील का निर्माता कौन है बहुत ही लोकप्रिय क्वेश्चन है कि सांबर झील को किसने बनाया तो आप सभी को पता है बिजोलिया शिला के अनुसार किसके अनुसार बिजोलिया शिला अब किसी किसी को शिला मतलब पता नहीं होता है तो आप लोगों को बता दूँ शिला मतलब वह चीज़ होती है जो किसी पत्थर पर लिखी गई हो पिछले जमाने में ना तो कागज हुआ करते थे ना कॉपी पेन हुआ करता था कुछ नहीं हुआ करता था तो पिछले ज़माने में मतलब राजा महाराजाओं के समय पर अपने बारे में जो जानकारी होती थी यह पत्थरों पर लिखवाते थे बड़ी बड़ी शिलाओं पर लिखवाते थे इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है शिला कहा जाता है अब सांभर झील का निर्माण आपको बताना है तो अर्णोराज चौहान ने किया था सांभर झील का निर्माण क्या लगता है बताओ आप लोग अर्णो अर्णो सागर ने किसका झील का निर्माण किया है तो ये तो अजमेर से रिलेटेड है तो इन्होंने तो नहीं किया विग्रहराज चतुर्थ ने किसी का निर्माण किया है नहीं विग्रहराज चतुर्थ ने तो बांध बनाया था कौन सा बांध बनाया था इसने बिसलपुर बांध बिसलपुर बांध वासुदेव चौहान वासुदेव चौहान के बारे में आपने सुना है सुना है तो कमेंट बॉक्स में लिखो क्या क्या सुना है चलो छोटी सी जानकारी मैं दे देता हूं आप लोगों को वासुदेव चौहान जो चौहानों के क्या है आदि पुरुष हैं क्या है ये चौहानों के आदिपुरुष है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव चौहान इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा वासुदेव चौहान राणा लाखा के काल में कौन सी झील बनी थी आप लोग कमेंट करके बताओ राणा लाखा के काल में कौन सी झील का निर्माण करवाया गया अगले क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग बात करें वह झील जिसमें बांडी नदी का जल एकत्रित होता है तो वो झील कौन सी है भाई अजमेर की अनासागर झील अजमेर में बांडी नदी का पानी आकर गिरता है और यह किस झील में आकर गिरता है तो अजमेर की अनासागर झील अनासागर झील का निर्माण किसने करवाया अर्णोराज ने करवाया किसने करवाया भाई अर्णोराज ने अर्णोराज चौहान जो अजमेर के चौहान वंश से संबंधित हैं और हम बात करेंगे इनके बारे में आगे परेशान मत होइए आ गया वही क्वेश्चन मुझे बताओ वह झील जिसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के दादाजी अर्णोराज ने की थी अब यहां क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है थोड़ा सा टर्म चेंज कर दिया बस क्वेश्चन की और कुछ भी नहीं है अगर मैं ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछता कि अर्नो राज ने किस झील का निर्माण किया है तो आप लोग बता देते झील का का वैसे इस क्वेश्चन राइट आंसर है झील अब हम यहां पर बात करते हैं अर्णोराज के बारे में और पृथ्वीराज चौहान के बारे में अर्णोराज अर्नोराज का आपको शासनकाल याद रखना है तो यह अजमेर के चौहान वंश से संबंधित है इनका शासनकाल ग्यारह से ग्यारह तक रहा और इन्होंने ही पुष्कर में आदि वराह का आदि वराह मंदिर जिसे ही विष्णु भगवान कहते हैं ऐसा कह जाएगा कि विष्णु जी का मंदिर इन्होंने ही बनाया है पुष्कर में और इन्होंने इस झील का निर्माण इस झील का निर्माण कब किया था 1337 में कब किया था 1337 में और अनासागर झील के बारे में हम बात कर लें तो इस झील में जहांगीर ने जहांगीर ने एक बाग बनाया था जिसका नाम था दौलत बाग दौलत बाग और इस बाग का वर्तमान में नाम क्या है सुभाष उद्यान सुभाष उद्यान ठीक है उसके बाद यहीं पर शाहजहां ने क्या बनाया है बारह दरी बारह दरी बारह दरी का मतलब क्या था इसने बनाई पांच छत्रियां और बारह दरवाजे पांच छतरियां और बारह दरवाजे मैं अगली वीडियो में आप लोगों को अना झील के बारे में बहुत अच्छे से समझा दूंगा तो आप परेशान मत होइए अना की भी वीडियो आप लोगों के लिए आ जाएगी वहां से आप अपनी नोट्स इसे बना सकते हो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आप लोगों को बताना है लूणी नदी का उद्गम स्थान मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ा रखी है लूणी नदी लूणी नदी का उद्गम स्थान तो लूणी नदी राजस्थान के छह जिलों से प्रवाहित होती है उद्गम स्थान आप लोगों को पता होगा यह नदी नाग पहाड़ी अब नाग पहाड़ी तो पता होगी अब तो याद आ गया होगा कि नाग पहाड़ी कहां स्थित है आ गया याद कमेंट बॉक्स में लिखो कहां पर स्थित है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, यह अजमेर जिले में स्थित है अजमेर जिले में इसका उद्गम स्थान होता है नाग पहाड़ी से और आप लोगों को बताना है नाग पहाड़ी की ऊंचाई कितने मीटर है मुझे कमेंट करके बताओ नाग पहाड़ी की ऊंचाई कितने मीटर है छह जिलों से बहती है कौन कौन से जिले सिक्वेंस वाइज लिखते चलो अजमेर नागौर जोधपुर पाली जालोर बाड़मेर ये छह जिलों से यह नदी बहती है तथा लूणी नदी अब लूणी नदी की अगर बात कर लें तो लूणी नदी की कुल लंबाई कितनी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा लूणी नदी की कुल लंबाई है चार सौ पंचानवे किलोमीटर की यह इंपॉर्टेंट है ये चीज़ आपको याद रखनी है अजमेर के नागपाड़ी से इसका उद्गम स्थान होता है मैंने आपको ऊंचाई पूछी है इसकी कितने मीटर की ऊंचाई है आप लोग कमेंट करके बताओगे मुझे और उसके बाद अगर देखा जाए तो इस नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है कौन सा बांध आप लोग कमेंट कर सकते हो अगर नहीं पता है तो वीडियो को जरूर देखिए मैं बता देता हूँ इस नदी पर जसवंत सागर बांध बना हुआ है जसवंत सागर बांध कहाँ बना हुआ है अब ये तो आप ही कमेंट करोगे क्योंकि मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से चीज़ें समझाई है बहुत अच्छे से चीज़ें लिखवाई है तो अगर आप लोगों ने मेरे साथ अपनी नोट्स बना रखी है तो बहुत अच्छी बात है नहीं बनाई है तो अभी भी मौका है वीडियो को देख लीजिए और अपने नोट्सों को मेरे साथ साथ बनाना चालू कर दीजिए आगे की वीडियो पर हम बात करते हैं जैसे आगे के क्वेश्चन पर अगर हम बात करें तो लूणी नदी की सहायक नदी नहीं है नहीं को आप पहले टिक कर लीजिए क्योंकि क्या पूछा गया है कभी कभी क्या होता है हम प्रेशर में होते हैं हमारे दिमाग में एग्जाम का प्रेशर होता है तो वो पूछता है नहीं और हम लगा देते हैं है वाली पे थोड़ा सा ध्यान रखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं तो नहीं पर हम टिक कर लेंगे तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आ जाए कि हमें इसने नहीं वाली पूछा है तो जवाई नदी ये तो भाई लूणी की प्रमुख सहायक नदी है सुमेरपुर सुमेरपुर पाली कौन सा बांध बना हुआ है जवाई बांध बना हुआ है जिसे राजस्थान का या फिर मारवाड़ का अमृत सरोवर बांध कहा जाता है सीप नदी ये नदी सुनी सुनी से लग रही है चलो ठीक है इसको छोड़ दो लीलड़ी नदी यह भी इसकी सहायक नदी है जोजड़ी नदी यह भी इसकी सहायक नदी है जोजड़ी नदी के बारे में मैंने आपको अन्य बातें बताई थी एकमात्र ऐसी नदी है जो नागौर उच्च भूमि से निकलती है और लूणी की दाई ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है कहाँ से मिलती है यह दाई ओर से बाकी सारी नदियां कहाँ से मिल रही है बाई ओर से ये चीज आपको याद रखनी है सीप नदी इस नदी का इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा सीप नदी यह किसकी सहायक नदी है यह है चंबल की सहायक नदी चंबल बनास और सीप त्रिवेणी संगम कहां बनाती है यह आप मुझे कमेंट करके बताओगे जिला में आप लोगों को बता देता हूं माधोपुर आपको स्थान का नाम बताना है वो नाम बहुत जरूरी है इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आप बताओ अगर नहीं पता है तो वीडियो देखो आप लोगों ने नोट्स बना रखी है तो उसे देखो क्योंकि अगर आप लोग नहीं बताओगे तो ये चीज़ आपके दिमाग से हमेशा के लिए स्कीप हो जाएगी अगर मैं बता दूंगा तो आपके लिए बस अभी थोड़े टाइम के लिए याद रहेगी लेकिन अगर आप खुद देख के बताओगे तो वो चीज़ आपको लंबे समय तक याद रहेगी बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन पर ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है कहीं पर भी आप किसी भी बुक्स में देख लेना ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं मिलेगा राज्य में त्रिवेणी संगम वाले जिले कौन से हैं ध्यानपूर्वक पढ़िए सभी क्वेश्चन को सभी ऑप्शन को पढ़िए पर आपको तीन नदियों का नॉलेज होना चाहिए एक ही साथ तीन नदियों का नॉलेज मैंने मिक्स कर दिया है तो आप मुझे बताओ कि त्रिवेणी संगम वाले जिले कौन से हैं चार ऑप्शन आप लोगों के लिए दिए गए हैं कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पास बने हुई आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे और मैं प्रयास करता हूँ रोज़ एक वीडियो जिसमें मैं टॉपिक समझाऊँ और एक वीडियो जिसमें मैं क्वेश्चन लेके आऊँ ऐसा मैं प्रयास कर रहा हूं, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप अगर मेरे लिए एक काम करना चाहते हो तो प्लीज़ जितना हो सके उतना इसे शेयर करिए आप लोग मुझे प्रॉमिस करिए कि आप अपने पाँच मित्रों में और तीन ग्रुप में चाहे फिर आप WhatsApp पे शेयर करो इंस्टाग्राम पे शेयर करो फेसबुक पे शेयर करो या फिर टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर करो कहीं पर भी आप इसे शेयर करिए लेकिन कम से कम आपको तीन ग्रुप में शेयर करना है और अपने पाँच ऐसे दोस्तों में शेयर करना है जो वीडियो को देखेंगे तथा उन्हें इन वीडियो से मदद होगी तो आप उन्हें जरूर शेयर करिए और सपोर्ट करिए जय हिंद जय जै भारत अगली वीडियो में अगर मैं आप लोगों को बता दूँ तो वो रहेगी राजस्थान की मीठे पानी की झीलों के बारे में तो उन्हें देखना भी मत भूलिए और अगली वीडियो पर भी मैं ऐसे ही क्वेश्चन लेके आऊँगा तो उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जय हिंद जय भारत